हे स्टूडेंट क्लास फोर्थ, बच्चों हम आपको चैप्टर एट पटाखों से तौबा। वैसे तो पटाखे आप लोगों के मनपसंद होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पटाखे ही हम लोगों की मुसीबत बन जाते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर जो है वो ऐसे ही कुछ है, पटाखों से तौबा। तो चलिए देखते हैं भाई, प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर समस्या है। तो अच्छा, जब हम लोग पटाखे चलाते हैं तो उसमें बहुत सारा धुआं, बहुत ज़्यादा कार्बन निकलता है और हम वातावरण को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे आज युग की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा प्रदूषण, हम लोग इससे कैसे बचें। ठीक है, प्रदूषण आज के समय की एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसे हम मनुष्यों ने ही अपनी सुख सुविधाओं के वशीभूत होकर जन्म दिया है। क्योंकि हम लोग गाड़ियाँ जो ज़्यादा कार्बन वाली होती हैं, काला धुआं निकालती हैं, तो हद से ज़्यादा गाड़ियाँ भी रोड पे दौड़ती हैं जिससे काला धुआं निकलता है, और पटाखे चलाते हैं जिससे भी बहुत सारा धुआं हमारे वातावरण को अशुद्ध करता है। लेकिन क्या है, हम लोग अपनी सुख सुविधाओं के तहत ये सब भूल जाते हैं कि हम ही लोग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इसी ये जो हमारी चित्रकथा दी गई है, ये पटाखों से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है कि क्या इसमें इससे क्या हानियां हैं। ठीक है, अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहेगा तो पृथ्वी का क्या होगा। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसमें जो है, हम लोग इसको प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं अगर हम थोड़े जागरूक हो जाएं। तो ये एक चैप्टर ही नहीं, वैसे भी हम लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक एक शिक्षा है कि हम लोग अगर जागरूक हो जाएं तो हम प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में देखिए भाई, चित्रकथा में क्या दे रहे हैं। मध्यावकाश का समय था। मध्यावकाश क्या होता है, जब हमारा लंच होता है, वो उसको हिंदी में कहते हैं मध्यावकाश। तो दो दिन बाद दिवाली थी। अभिनव, जतिन और प्रशांत तीनों मित्र मैदान में बैठे थे। दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। भाई मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा, जब तर 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 करती हुई जलेगी तो बड़ा मज़ा आएगा। अब दूसरा दोस्त कहता है, मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। ठीक है, दूसरा दोस्त कहता है, अब क्या हुआ, मैं भी सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। तीनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तभी क्या हुआ, उधर से उनकी जो विज्ञान की टीचर थी वो वहाँ से निकली और उन बच्चों की बात तो उनके कान में पड़ी। उन्होंने सुना कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका के कानों में पड़ी और उन्होंने मन ही मन को सोचा, फिर वहाँ से चली गई। मध्यावकाश के बाद अध्यापिका कक्षा में आई, बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अध्यापिका ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्याम पट्ट के पास लटकाया, फिर बोली, श्याम पट्ट क्या होता है, जो हमारा बोर्ड होता है। तो एक उन्होंने वायु प्रदूषण का एक रिलेटेड उससे एक चार्ट था और उन्होंने बोर्ड के पास टांग दिया और बोली, बच्चों 2 दिन बाद
दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? मैडम, मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे लूँगा। मैडम, मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। नहीं मैडम, मैं कल खरीदूँगा। अब तीनों बच्चों ने अपनी अपनी बात बता दी। ओके, ये आपका आ गया Part 1। तो ऐसे ही हम लोग भी पटाखों को ख़रीदते हैं, उनको जलाते हैं और थोड़ी देर की खुशी होती है, उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, वातावरण में पूरे में काला काला धुआं छा जाता है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, आप लोग चैप्टर को रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा बन सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाई करनी है, पढ़ना है आपको चैप्टर ये। चलिए और थोड़ा सा आपको बताते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम और क्लोरेट और गंधक के एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज़ की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे जलाए जाते हैं तो ये मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है, इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वो तीव्र धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरीके विषैली गैसें भी उससे निकलती हैं। ठीक है, ये किसने बताया? जो विज्ञान की टीचर थी उन्होंने बताया। ठीक है, विषैली गैसें मैडम, फिर तो वे ज़रूर नुकसान पहुंचाती होंगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रशांत, ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक होती हैं। बच्चों, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं, जो इतने हमारे यहाँ पे जो विषैली गैसें निकलती हैं उससे क्या हुआ है, जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गए हैं, छोटे छोटे होल होने लगे हैं, जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है आगे। ठीक है, चलिए, ये रियल है, कोई आपको कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल है कि जो हमारी फैक्ट्रियां या पटाखों से धुआं निकलता है जहरीला, उससे ओजोन परत जो हमारी कमज़ोर पड़ रही है, उसके ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और उसमें छोटे छोटे छेद होने लगे हैं। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, और पढ़ने के बाद में आप ऑडियो बनाइए और मुझे सेंड करिए, इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ लिया है। ओके बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।